तो आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम कढ़ी बनाने जा रहे हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है। इसके लिए हमें चाहिए हल्दी अपनी क्वांटिटी के अनुसार, कुछ इस तरीके से, धनिया पाउडर और मिर्ची, थोड़ी सी नमक अपने स्वाद अनुसार। इसमें हम पानी डालेंगे कुछ इस तरीके से और उसको मिला के घोल बनाएंगे कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं, ना पतला ना गाढ़ा, एक मीडियम घोल बना लेंगे। मैंने अभी पूड़ी बनाई थी तो इसका तेल बचा हुआ था, इसमें हम अपने पकौड़े को तल लेंगे। इसके लिए मैं तेल को गर्म होने दिए हैं। दोस्तों हमारा तेल गर्म हो गया है, मैं कुछ इस तरीके से डालूंगी। इस तरीके से छोटे छोटे से पकौड़े डालेंगे तेल में, इस तरीके से सारे पकौड़े डाल लेंगे। तो देखो दोस्तों, मैंने कुछ इस तरीके से सारे पकौड़े को डाल लिया है। हम इसे अलट पलट करके पका लेंगे। तो दोस्तों ये देखो, ये एक से दूसरे से अच्छा बढ़िया तरीके से पक गए हैं। इस तरीके से सारे पकौड़े को पका के इसे छान लेंगे। तो दोस्तों देखो, मैंने यहाँ पे एक प्लेन वाली लस्सी ले ली है छाछ। हमारा थोड़ा बचा था बेसन, इसके पेस्ट में कुछ इस तरीके से हमने छाछ को डाल लेंगे लस्सी को, और इस तरीके से मिला लेंगे। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी जीरा ली है, थोड़ी सी मेथी और थोड़ी सी राई ली है। जो मैंने पकौड़े तले थे उसी तेल में कुछ इस तरीके से मैंने तेल में चढ़ा दिया। इसमें हमने जो जीरा राई वगैरह लिए थे उसमें डालेंगे। तो दोस्तों ये देखो, मैंने जो घोल बनाया था इसमें मिर्ची डालेंगे और थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, और हमारा तेल भी गर्म हो गया। इसमें हमने जो मसाले लिए थे वो भी डाल लेंगे कुछ इस तरीके से। ये जीरा था, ये हमने कुछ इस तरह से ले लिया, हमारा ब्राउन हो गया है। हम इसमें डालेंगे अपना जो हमने घोल बनाया था लस्सी का, कुछ इस तरीके से डाल देंगे। ये देखो हमने कुछ इस तरह से डाल लिया है। आप अपनी क्वांटिटी हिसाब से पानी डाल सकते हैं। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इस तरीके से मिक्स करके थोड़ी देर तक पका लेंगे। दोस्तों मैंने इसे थोड़ी देर पका लिया, इसमें मैं पकौड़ा को डाल लूँगी कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों हम इसे चला लेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए उबाल आने तक पका लेंगे। दोस्तों देखो, मैंने इसको आधा घंटे तक पका लिया। आप जितना ही पकाओगे उतनी टेस्टी कढ़ी बनेगी। देखो ये बहुत ही टेस्टी बने। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।